अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। किसान आंदोलन को आज 100 दिन पूरे। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 100वां दिन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार से अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, तैयारी लंबी है। राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कहीं खो गई है, हम पार्लियामेंट में जाकर ही अपनी फसल बेचेंगे। रेलवे ने 3 गुना बढ़ाई प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत। देश भर में कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद पड़ी प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा अब शुरू हो गई है। वहीं प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर शुरू की गई है। देर रात से इस सेवा को शुरू किया गया। इसके साथ ही रेलवे ने टिकट के दामों में 3 गुना इजाफा कर दिया है। याद दिला दें कि पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए होती थी, वहीं अब 30 रुपए हो गई है। देश भर में अब कोरोना के 1,46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है, वहीं लगातार सामने आ रहे कोरोना के नए मामलों से लगातार सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संख्या 1,11,00,000 के पार। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 16,838 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 113 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 13,819 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अलीगढ़ के टप्पल में अखिलेश यादव की किसान महापंचायत आज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के टप्पल में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान महापंचायत करेंगे। किसान महापंचायत के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। साथ ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने बताया कि किसान महापंचायत में 20,000 से अधिक किसानों की प्रतिभाग करने की संभावना। सभा स्थल पर 2 मंच बनाए गए हैं, एक मंच जिस पर पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और नेतागण मौजूद रहेंगे, वहीं दूसरे मंच पर अखिलेश यादव संबोधन करेंगे। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन का आज एनसीबी फाइल करेगी चार्जशीट। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस से संबंधित ड्रग्स रैकेट की जांच कर रहा नारकोटिक्स ब्यूरो आज मामले में पहली चार्जशीट दायर करने वाला है। इस मामले में सुशांत को ड्रग्स मुहैया कराने वाले बॉलीवुड कनेक्शन की छानबीन की जा रही है। इस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती को ही मुख्य आरोपी बनाया गया है, साथ ही 32 अन्य लोग भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।